बेटा समझ में आया ना, फूड ट्रिक के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, इसके ऑक्साइड्स एनोड आपको मिलते रहेंगे, बार बार इसका एग्जाम्पल मिलता रहेगा, तो आप उसमें वैसे जैसे जैसे मिलता जाएगा, आप पढ़ते जाना। और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दिया करो यार, जैसे कोई टॉपिक में स्पेसिफिकली कोई दिक्कत है तो मैं एक बार ट्राई करूंगा, कुछ चीजें सर्च करके बता दूंगा। ठीक है, एलोट्रॉपिक सर आपने कुछ समझाया था सर, वो मेरे समझ नहीं आया अभी था। तो बेटा नहीं, अब तो क्लास चलने दो, मैं बता दूंगा टॉपिक फिर भी। ठीक है, यस हाँ क्लासेस अब बढ़ जाएंगी, मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत। चल थोड़ा चलने दो, आपका सिलेबस भी पीछे है काफी, मेरे को और कवर करना था, लेकिन चीजें अच्छा बनाने के चक्कर में हो जाती है। चलो ठीक है, तो बताते हैं बेटा अभी नॉन मेटल, अभी बात करते हैं। नॉन मेटल हैव आर जनरली सॉफ्ट, ये तो बता दिया था आपको शायद पॉइंट्स मैंने। और नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये पॉइंट ये था अगला। नॉन मेटल आपको लिखा है कि नहीं ऑलरेडी ऊपर? नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड यस सर, बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसका रीजन ये है, आप रीजन भी लिख सकते हो, नीचे लिखना लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के नीचे यहाँ पर एक रीजन डाल के लिखना। रीजन ये होता है बेटा, क्योंकि इसके पास जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिख लो मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, एंड लेस ब्रेकिंग सर रिक्वायर्ड। सर आप किस चीज का रीजन लिखवा रहे हैं? बेटा ऊपर बताया था नॉन मेटल हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा होता क्या है कि जब ओके इसके पास ओके ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो गया, ऑलरेडी इसके पास बॉन्ड्स ब्रेकिंग की कंडीशन में है, तो आपको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो वहां पे होती है जहां पर जैसे सॉलिड स्टेट हो गई, तो सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे सॉलिड स्टेट में कभी कभी देखते हो आप मेटल में, तो मेटल में इतनी जल्दी उसको पिघला पाना या इतनी जल्दी उसको सर, मेल्ट वो करना रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ऑफ क्या लिखा है? रिक्वायर्ड ऑफ बॉन्ड, लेस ब्रेकिंग रिक्वायर्ड ऑफ बॉन्ड, मतलब उतनी ब्रेकिंग जरूरी नहीं है, बॉन्ड की उतनी ब्रेकिंग रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है जिसकी वजह से ऑलरेडी बॉन्ड अपार्ट रहते हैं, आप जब इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसी वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। प्लास्टिक एनोड में देखते हो उसके पॉइंट्स होते हैं, जो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन जो सोलिड मेटल होते हैं, जो मेटल्स के पार्ट में आते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। और भी कह सकते हो इंटरमोलिकुलर, यहाँ पर एक रीजन और भी होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इज वेरी वीक। सब मेटल्स इसलिए होते हैं ना क्योंकि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम है। यस बेटा, नहीं मेटल का तो स्पेसिफिक मीनिंग एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन से भी कहते हैं हम, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्रिस्टल होते हैं सॉलिड स्टेट में जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम केवल क्रिस्टल्स बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं। आप सॉलिड स्ट्रक्चर में पढ़ोगे बाद में, नेटवर्क सॉलिड एक वर्ड होता है, नेटवर्क सॉलिड, उसमें कोवेलेंटली सर बॉन्डेड होते हैं मॉलिक्यूल्स। बेटा प्लीज वेट, अब जब कोई चीज बता रहा हूँ तो क्यों सर सर कर रहे हो यार? जैसे मान लो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, मान लो एक जो मेटल आपका होता है, आपको लगता है कि जो जिसमें पार्टिकल बहुत पास पास होंगे वो हमेशा क्रिस्टल ऐसे होंगे जो मेटल कहलाएंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है। मेटल के लिए होने की कंडीशन दो है, या तो और एक पहले तो बात उसका जो पार्टिकल होगा बहुत पास पास होगा, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, और दूसरा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। आप अगर मेटल्स में बात करोगे ना, चाहे जिस मेटल की बात करो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मेटल पॉजिटिवली चार्ज होता है सेंटर्ड, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करने के लिए। तो आप अगर बात करो किसी ऐसे सॉलिड की जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए नहीं है, तो उसे फिर मेटल नहीं बोलते हैं, वो मेटल नहीं है, भले ही उसके क्रिस्टल बहुत पास पास है, भले ही उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास है, लेकिन वो फिर मेटल नहीं हुआ हमेशा हर कंडीशन में। ठीक है, बात समझाने का मतलब समझ में आया? जैसे डायमंड ही देख लो, तो मेटल के उसके पास तो बहुत ज्यादा पास होते हैं, लेकिन डायमंड के पास कोई मॉलिक्यूलर एलिमेंट तो अच्छा है, लेकिन उसके पास क्या दिक्कत है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करने के लिए, तो वो मेटल नहीं हो गया ना फिर, तो क्रिस्टल तो बहुत पास पास थे। समझ पा रहे ना बेटा? हेलो, मतलब वो सर समझ गया। डायमंड में, सर डायमंड देखते रहे तो नॉन मेटल और मेटल दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं? ओके कह सकते हो बेटा? सर, यस एक बार आप एक और बार समझा सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ बेटा सर, इसको लिख लो फिर समझा देता हूँ। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इज वेरी लेस, ये तो रीजन हो गया उसका। ठीक है, अब आपके जो इसमें पॉइंट्स में है, जैसे कि
मान लो इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात कर लिया, तो आपने पूछा था कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है तो क्या वो हमेशा मेटल होगा, ऐसे पूछा था किसी ने। नहीं, अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है या इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है और टाइटली बॉन्डेड है मान लो क्रिस्टल्स उसके, तो उसके पास एक कंडीशन और होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल होता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसके क्रिस्टल के अंदर, जो मूव करने के लिए रेडी होते हैं और चार्ज का फ्लो कर सकते हैं, इसलिए ये मेटलिक श्रेणी में आता है और मेटलिक सीरीज में इसको रखते हैं। लेकिन जिसमें ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते फ्रीली मूव करने के लिए, मेटल कहाँ का हुआ, तो उसमें मेटल थोड़ा बहुत ही होंगे लेकिन होंगे जरूर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कंडीशन आपको फुलफिल करनी है मेटल की, तो आपको क्रिस्टल के पास होने के साथ साथ उसके मतलब उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होना, मतलब उसके इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग अच्छी होने के साथ साथ उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का होना भी इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आई? मतलब उसकी अगर जल्दी में चाहिए, सॉरी हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होने चाहिए। क्या बेटा? मतलब अगर हमें बेटा आवाज नहीं आ रही है, देखो बताया यहाँ पर जैसे ग्रेफाइट का ही हो गया, जैसे हेलो यस सर, बेटा ग्रेफाइट और डायमंड ही हो गया, सब एलोट्रोप्स होते हैं। इनमें भी ये भी भले नॉन मेटल के अंदर आते हैं लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, नॉन मेटल के अंदर होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ग्रेफाइट्स में होता है लेकिन ग्रेफाइट में मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। डायमंड में ग्रेफाइट में क्या है कि मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, लिख लो आप कभी कंफ्यूजन ना आए आपको इसमें मॉलिक्यूलर। ये आपने सर क्या लिखा है, लेस ब्रेकिंग रिक्वायर्ड ऑफ बॉन्ड। बेटा जब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा ऑलरेडी है तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाना चाहोगे उतना ज्यादा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कि आप ब्रेक करने के लिए ही तो टेम्परेचर को बढ़ाते हो कि उसके बॉन्ड्स टूटे और वो टूटने के चक्कर में आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो और उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। लेकिन अगर उसमें उतनी जरूरत नहीं है तोड़ने की, उसके बॉन्ड्स ऑलरेडी ब्रेक हैं या बहुत अपार्ट हैं, तो फिर उसमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ऐसे नॉन मेटल में भी होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसलिए लेस बॉन्डिंग लेस ब्रेकिंग की जरूरत होती है उसमें, और जरूरत कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? Excuse me, sir. बेटा किसी को दिक्कत है, आप लोग यस भी नहीं बोल रहे हैं। हेलो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो फ्री होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा? बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को फ्लो करने के लिए। आपने पूछा था मेटल क्या होते हैं, तो मेटल में एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, दूसरा उसमें स्पेस कम होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के लिए उसका स्पेस कम होना और अच्छी बॉन्डिंग होना जरूरी है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेटल होने के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेटल बनता ही है ऐसे ऐसी चीजों से या ऐसे चार्जेस से जिसके अंदर आप मूव कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल को, तो दोनों ही कंडक्टर होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इसी वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का होना इंपॉर्टेंट है और तभी आप उसको मेटल बोलोगे, नहीं तो आप उसको नॉर्मल क्रिस्टल्स भी बोल सकते हो। क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आपको मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ अभी सॉलिड स्टेट में जा रहा हूँ, तो वहां पर एक नेटवर्क सॉलिड होता है। नेटवर्क सॉलिड के अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं लेकिन वो सॉलिड वैसा ही होता है जैसा आपका मेटल होता है। मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि मेटल होने के लिए केवल और केवल एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी नहीं है। दो चीजें हैं, देखो आपने एक चीज पूछा कि सर क्या किसी ने पूछा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हुआ, इंटरमोलिकुलर देखो कंडीशन क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस लेस है एंड इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हाई है। देखो ये तो बेटा सबको सुनाया हुआ होगा यार, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ज्यादा होगी। भैया जब पास पास होंगे तो बॉन्ड तो ज्यादा बनाएंगे ना? यस सर। तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग मोर होगी यहाँ पर। अब अगर पास पास हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग ज्यादा बन गई, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं। तो ये तो एक तरीके का क्रिस्टल होगा, इसमें एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है नेटवर्क सॉलिड, एक हो सकता है नेटवर्क सॉलिड इसमें, और एक हो सकता है मेटल मेटलिक सॉलिड।
एक होता है बेटा नेटवर्क सॉलिड, एक होता है मेटलिक सॉलिड. नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर. देखो मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि ये वाली जो कंडीशन आपकी बन करके आई है, इस वाली कंडीशन के अंदर दोनों ही चीजें पाई जाएंगी, एक तो नेटवर्क सॉलिड और दूसरा आपका मेटलिक सॉलिड. लेकिन मेटलिक सॉलिड के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो ये कंडीशन है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. आपने पूछा था ना कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो सर क्या मेटलिक सॉलिड ही होगा, आपने ये पूछा था. तो मैंने बताया कि ये देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होगा और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो मेटलिक सॉलिड ही नहीं होगा. ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो वो नेटवर्क सॉलिड के कैटेगरी में चला जाएगा. मैं ये बताना चाहता हूं आपको, वहां पर फिर वो मेटलिक कंडीशन शो नहीं करेगा. पीछे दिमाग में रखो, आपने जो आप पूछ रहे हो कम से कम वो तो समझो ना कि क्या पूछ रहे हो. बेटा समझ में आया, कोई दिक्कत है अभी भी? नो सर. यार ऐसा क्या हो गया, मतलब मातम छाया हुआ है क्लास में, क्या दिक्कत है? हेलो. यस सर. क्या कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं. सर जस्ट जो अभी आपने बताया ना सर, ये नहीं आया. तो बोलो ना, ऐसे क्या बोल रहे हो कि समझ में आ गया है? इसमें कुछ करना नहीं है. ठीक है, अगर आप समझते हो तो ये चीज छोड़ो, नेटवर्क सॉलिड आपके चैप्टर में है ही नहीं, इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है. वो तो मैं दिमाग लगा के बता रहा आपको कि एक किसी बच्चे ने पूछा था, अगर मैं बताता तो क्वेश्चन गलत हो जाता कि नहीं. कल को आप बोलते सर आपने बोला था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो हमेशा वो मेटलिक सॉलिड कहलाएगा या मेटल कहलाएगा. तो बेटा मैंने इसीलिए नेटवर्क सॉलिड भी आपको कैटेगरी बता दी, आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस कैटेगरी को आपको बता दिया कि आपको याद रहे. अब करना कुछ नहीं यार, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या डिफरेंस हो गया बताओ? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मेटल हो गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटल नहीं हुआ, बस यही कंडीशन है. और ऊपर वाली कंडीशन दोनों में है. ओके सर. सर आप ग्रेफाइट और डायमंड का मॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बता रहे थे. बेटा ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा अगर कोई दिक्कत होगी तो. सिलेबस बढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में मैंने इसको कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट डिस्कस किया था ग्रेफाइट और डायमंड के लिए. बेटा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन सब कुछ बताया था मैंने. अभी बढ़ सकता हूँ आगे, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा बेटा अगर कोई दिक्कत होगी तो. डाउट क्लास सर आपने पिछली बार बताया था कि पेंसिल को बोर्ड में लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट सब कुछ बताया था बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का बताया था, उसकी फ्लो भी बताया था मैंने, उसके साथ उसकी उसकी जो मॉलिक्यूलर स्पेस थी उसको भी बताया था कि ग्रेफाइट जल्दी टूट जाता है, डायमंड नहीं टूटता क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस में ज्यादा होता है. मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में अगर कोई दिक्कत होगी तो. लेकिन अभी बढ़ जाते हैं नॉन मेटल, एटलीस्ट नॉन मेटल तो खत्म कर लेना बेटा, नॉन मेटल तो एटलीस्ट खत्म कर लो यार. अगर रीजन बताने का चक्कर मैं आपको पॉइंट में बता रहा हूँ तो ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि रीजन भी बता रहा हूँ मैं, तो आप कम से कम इस चीज समझ लो ना. अच्छा तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, ग्रेफाइट्स वगैरह के बारे में बता ही दिया था मैंने. आगे बढ़ा, नॉन मेटल हैव द लो डेंसिटीज, क्या आपको डेंसिटी के बारे में बताया है? अच्छा करना कुछ नहीं है, पॉइंट पहले लिखो फिर बताता हूँ. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम. ठीक है, अब जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था मेटल का, मेटल में क्या होता था बेटा, एक केजी का कोई पार्टिकल ले लो मेटल का, क्या ले लो? 1 kg. 1 kg का आप आयरन ले लो. ठीक है, क्या आपने कभी कार्बन देखा हुआ है? यार जली हुई लकड़ी तो देखी होगी ना, जली हुई जली लकड़ी तो सबने देखी होगी. यस सर देखी है. दैट्स अ कार्बन. आप एक कार्बन का पार्टिकल ले लो इतना ही बड़ा, ये है आयरन और ये है कार्बन, ये भी है 1 kg का. अच्छा अब अगर आप चाहो एक केजी का नहीं, आप ये करो कि वॉल्यूम दोनों का फिक्स रखो, एक मिनट रुको, इस दोनों का वॉल्यूम फिक्स रखो, ये आयरन है और ये भी इतना ही बड़ा है और ये है क्या है कार्बन है, दोनों का वॉल्यूम फिक्स रखो. वॉल्यूम मतलब लंबाई चौड़ाई सब कुछ उतना ही होगा, मतलब एक अगर समझ लो एक माचिस की डिब्बी के बराबर ले रहे हो तो माचिस की डिब्बी के बराबर इसको और माचिस की डिब्बी के बराबर इस कार्बन को भी लो, मतलब वॉल्यूम आपको सेम रखना है. सर यस सर ये क्वेश्चन था कि सर जैसे लोग वाटर का भी सर डेंसिटी आता है. yes. तो सर वाटर का कैसे निकालते हैं सर, उसका मास और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेटा वहां पे दिया हुआ होता है ना, वाटर इज अ कंपाउंड और वहां पे दिया हुआ होता है कि उसकी डेंसिटी 1 kg
1000 केजी पर मीटर क्यूब जनरली आती है, बट वो दिया हुआ होता है बेटा, मास मास और उसमें दिया हुआ होगा, और वाटर का तो स्टैंडर्ड होता है। ओके सर, ठीक है। चलो वॉल्यूम मान लो एक मीटर क्यूब इसका भी है बेटा, एक मीटर क्यूब इसका भी है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना भैया? वॉल्यूम तो सेम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें कि वॉल्यूम सेम है तो? नो सर। अच्छा, अब अगर वॉल्यूम सेम है, अगर आप लेफ्ट हैंड में आयरन ले लो उतने ही वॉल्यूम का, और राइट हैंड में आप ले लो कार्बन उतने ही वॉल्यूम का, ये बताओ मास किसका ज्यादा आएगा? तो किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है सर, किसी का माइक ऑन है इसलिए आवाज आपकी कम आ रही है। छोड़ो यार माइक, माइक छोड़ो यार, गुड स्टूडेंट हो रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मास पे डिपेंड करेगा। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा कि एक हाथ में अगर आप उतना ही बड़ा कार्बन ले लो, और उतना ही बड़ा एक हाथ में अलग अलग दूसरे हाथ में उतना ही बड़ा आप आयरन का मॉलिक्यूल ले लो, किसकी डेंसिटी, किसकी पास, किसके पास मास ज्यादा आएगा? आप अगर सही सही एटॉमिक वेट को चेक करो तो एटॉमिक वेट से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे फील करो लेकर के, तो एटॉमिक वेट के अलावा ऐसे भी आप देख सकते हो कि आयरन के, आयरन का एटॉमिक नंबर ही 26 होता है, इसके पास 55 के अराउंड एटॉमिक वेट आता है, इसके पास एक मॉलिक्यूल का उतना ही एक एटम का इसके पास 12 आता है, तो ऑब्वियसली इसके पास 55 और 12 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे भी आप देखना चाहते हो, आप घर पे देखना, इसके पास इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, और इसके पास इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर उसके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है आयरन के पास, लेकिन कार्बन के पास स्पेस ज्यादा होता है और बॉन्डिंग कमजोर होती है, इसीलिए इसका मास कम आता है। तो अच्छा, इसका मास M1 है और कार्बन का मास है M2, या इसका मान लो MF मान लो और कार्बन का मान लो MC, तो MF और MC, ये बताओ, बात बताओ कि MF और MC में कौन बड़ा हुआ? MF, MF MC से ज्यादा आई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहूं, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है, तो डेंसिटी मान लो DF, ये मान लो आयरन की डेंसिटी आई, तो DF, तो DF की वैल्यू आ जाएगी MF / वॉल्यूम एक ही है दोनों का, ठीक है, तो इसका भी वॉल्यूम एक ही है, और उतने ही वॉल्यूम में मैंने लिया DC, मतलब हमने कार्बन का लिया, तो हम यहाँ पर MC डिवाइड बाई 1 करेंगे, मतलब वॉल्यूम हम दोनों का सेम रखेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर DF और DC के बीच में देखूं, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी DF और DC में? DF या इट्स ऑब्वियस कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो नॉमिनेटर पे डिपेंड करेगी, और नॉमिनेटर ऑलरेडी हमने लिख दिया है कि MF की वैल्यू MC से ज्यादा है, तो DF की वैल्यू DC से ज्यादा हो जाएगी। तो क्या आपको पता चला कि डेंसिटी जो होगा वो मेटेलिक फॉर्म में ज्यादा होगी और नॉन मेटेलिक फॉर्म में कम आएगी? यस सर, क्योंकि उसके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होती है, उसमें बॉन्डिंग्स कम बन पाती है, उसी वैल्यू में अगर आप बात करोगे तो डेंसिटी उसके अंदर कम आएगी, और अगर कोई मेटल पार्ट लोगे तो उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा आएगी। किसी को कंफ्यूजन है तो मैं फिर से रिपीट करूँ सर, फिर से समझा दो, फिर से समझा दीजिए सर। लिसन बेटा, आप आज घर पे एक काम करना, इस वाले में लेफ्ट साइड में आप एक पार्टिकल लेना जिसका वॉल्यूम मान लो आपके पास कुछ भी है, आपने कभी तराजू पे तौलता हुआ वो पार्टिकल देखा 1 kg का? यस सर, यस देखा है ना, उतना बड़ा ही आप ले लेना। आपने अगर बट्टा देखा हो जो होता है, जो भी बोलते हैं, yes, आप घर जाते हो किसी के यहाँ खरीदने जाते हो, तो यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि 1 kg लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर क्या होता है जो भी इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मान लो इसको V है, और इसी वॉल्यूम का आप एक अलग पार्टिकल ले लो कार्बन का, वैसे ही ब्लैक कलर का, एकदम सिमिलर आप ब्लैक कलर का यहाँ पर वॉल्यूम V ले लो, वॉल्यूम दोनों का सेम है, आप लिख दो वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम सेम है, और ये वाला जो पहला लिया ये आयरन का ले लो यानी लोहा, और दूसरा वाला कार्बन का ले लो यानी कार्बन का, ठीक है सी। तो आप क्या करो, आप अगर मास मेजर करोगे, उतना ही बड़ा पार्टिकल अगर है, उतना ही बड़ा जितना बड़ा बट्टा उसका होता है ना आयरन का, अगर उतना ही बट्टा कार्बन का होगा ना उतना ही बड़ा, तो आप देखोगे कि आयरन वाले बट्टे के जो मास होंगे वो ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर, भैया करके देखना, आयरन वाले का मास हमेशा ज्यादा आएगा, उतना ही लोगे आप, उतना ही पार्टिकल ले लो आप, आयरन वाले का देख लेना मास ज्यादा ही आएगा हमेशा मेटलिक पार्ट्स में, और अगर कार्बन वाले का देखोगे उसका मास डेफिनेटली कम आएगा। अच्छा, अभी एक बात मैं आपको बताऊं, इतने ही पार्टिकल में आप आयरन ले लिया आपने, इतने ही पार्ट में आपने कार्बन ले लिया, और अगर आप यहाँ पर डेंसिटी को कैलकुलेट करते हो, मान लो वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो मान लो एक हो गया, मान लो वॉल्यूम दोनों का एक हो गया है, वी भी मान सकते हो,
अगर आप डीएफ को कैलकुलेट करो तो यहाँ पर एम एफ ई की वैल्यू आएगी एम एफ ई बाई वन, और यहाँ पर डी डी सी की वैल्यू आएगी एम सी बाई वन. बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है ऑलरेडी, और डीएफ की वैल्यू एम एफ के बराबर हो गई और डी सी की वैल्यू एम सी के बराबर हो गई. आप बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं मास के. अगर एम एफ ई की वैल्यू ऑलरेडी एम सी के एम सी से ज्यादा है तो ये भी तो हो जाएगा ना कि डीएफ की वैल्यू भी डीसी से ज्यादा होगी. भैया उतना ही बड़ा पार्ट मैंने लिया, डीएफ की वैल्यू भी तो डीसी ज्यादा. अरे यार रख के देख लो, एमएफई की वैल्यू अगर 5 रख लोगे भैया, अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार फिर तो. एमएफई की वैल्यू अगर आपने 5 रख ली तो ज्यादा आपने रखा है एमएफई को, और एमसी की वैल्यू आपने 3 रख ली तो एमएफई की वैल्यू एमसी से ज्यादा हुई. अब अगर आप डीएफ को कैलकुलेट करोगे तो डीएफ की वैल्यू डीसी से ज्यादा आएगी, मतलब 5 की वैल्यू भी 3 से ज्यादा आएगी, 5 ये भी आएगा. बेटा ये तो समझ में आया होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लिखा रहा हूँ केवल दो ही चीज बताई है, डीएफ और डीसी मतलब डेंसिटी ही तो मैं बता रहा हूँ, वही समझ नहीं आया. तो फिर क्या समझ में आपके, आप बोल रहे हो समझ आ गया, फिर बोलो ना कि नहीं आया समझ, फिर बता दूं मैं. यार ऑब्वियस सी बात है, उतनी ही वॉल्यूम की अगर आपने मास ज्यादा ले लिया है तो ऑलरेडी यार वो ज्यादा ही आएगा ना उसका वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम उतना ही है और आपने मास ज्यादा ले लिया तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी. आएगी या नहीं आएगी? यस सर. यार यस सर क्यों कर रहे हो, अगर आप नहीं पता तो मैं फिर से बोलूं यार. ठीक है देखो मैं क्या एग्जाम्पल लूं अभी, वो तो समझ नहीं आ रहा. मेटल है मान लो, ये आयरन है, आयरन ही एग्जाम्पल है सबसे बड़ा. आयरन अगर मान लो एमजी ले लो तो आप बोलोगे एमजी होता है कैसे, क्योंकि आयरन आपने देखा हुआ है. मैंने एग्जांपल आयरन का लिया था, और कार्बन भी आपने देखा हुआ है. यार हुआ कुछ नहीं है यहाँ पर, उतना ही बड़ा पार्टिकल आयरन का है, उतना ही बड़ा पार्टिकल कार्बन का है, बस वॉल्यूम बस इसका मास अगर उतना ही बड़ा लोगे तो आयरन का वेट ऑब्वियसली ज्यादा आएगा यार. आप एक बार कार्बन का वेट तो चेक करो कितना कम होता है. अगर आप मॉलिक्यूलर वेट भी चेक करोगे तब भी कार्बन का कम आएगा. कार्बन का केवल मॉलिक्यूलर वेट 12 आता है और आयरन का 55 आता है, 56 आता है बेटा. एक बार चेक तो करो आप. आयरन का जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया इसका, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट लेकर के एक पार्टिकल ले लो चलो, अगर आप उसी वॉल्यूम में अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट को लेकर के चलना है तो उसी एक मॉलिक्यूल में आयरन का जो आएगा वो 56 आ जाएगा उतने मॉलिक्यूल में. और जितना भी पार्टिकल होगा ना उसके अंदर आयरन का वेट ऑलवेज ज्यादा ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है यार, और कार्बन के अंदर दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं. कार्बन जो है वो थोड़ा सा नॉन मेटल फॉर्म में आएगा, वो मेटल आइड या फिर नॉन मेटल फॉर्म में आएगा, इसमें दोनों ही कंडीशन होती है थोड़ी थोड़ी, इसलिए वो नॉन मेटल फॉर्म में आएगा, या नॉन मेटल या मेटल दोनों ही क्वालिटी होगी. और आयरन जो होगा प्योर शुद्ध मेटल होगा, इसलिए उसके पास मास की वैल्यू ज्यादा आएगी बेटा. और मास ज्यादा आएगी तो डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए. यार कोई दिक्कत है अभी भी? यार दो मोबाइल ले लो एकदम सेम तरीके से मोबाइल ले लेना, ठीक है, एकदम सिमिलर ले लेना. एक मोबाइल का क्या करो, आपने ले लेना है किसी कागज के पार्टिकल का मोबाइल बना लो, या जो आपने घर में वो भी वो देखा होगा यार, जो जिसमें क्या कहते हैं हम टीवी वगैरह रखते हैं, जो पार्टिकल होते हैं ना छोटे छोटे बन करके आते हैं, सीड्स बन के आते हैं, इसमें टीवी वगैरह रखते हैं. अरे पेपर का बना लो मोबाइल यार, एक में पेपर का मोबाइल ले लो उसी वॉल्यूम का, और एक में ओरिजिनल मोबाइल ले लो. अब पेपर का बनाया हुआ जो मोबाइल होगा उसका मास ऑब्वियसली कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मास उसका कम आएगा उसी वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो आपके मोबाइल की डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए ना. फिर डेंसिटी तो ज्यादा होगी फिर, अगर आप मास को अगर कैलकुलेट कर चुके हो तो. अगर जैसे आपने भी इसमें देखा था वैसे आप मोबाइल में देख लो, एक मोबाइल वन है जो रियल है और एक मोबाइल टू है जो कि रियल नहीं है, मतलब कि ये है पेपर की. दोनों मोबाइल देखोगे और वॉल्यूम इसका दोनों का वॉल्यूम इक्वल टू इसका 1 meter cube है और इसका भी वॉल्यूम अगर 1 meter cube है, 1 meter cube दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तो आप अगर डेंसिटी निकालोगे d1 तो इसका मास मतलब कि m1 by 1 करोगे, और इसका d2 निकालोगे तो m2 by v करोगे, तो m2 by v भी अभी यहां भी 1 हो जाएगा. तो d1 is equal to m1 की वैल्यू अगर ज्यादा है, अगर m1 m2 से ज्यादा है तो d1 की वैल्यू भी तो d2 से ज्यादा होगी. भैया अगर आप भी समझ में आ रहा तो बहुत दिक्कत है, फिर मैं कैलकुलेशन करूं फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया. जब डायरेक्टली अब डायरेक्टली जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि
कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उसमें बोलोगे तो बोलोगे साइंटिफिक वर्ड बोल रहे हो, तो कम से कम वो तो समझो ना कि अगर मास की वैल्यू ज्यादा है तो डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। बेटा इतनी देर से समझा रहा हूँ उस चीज को, आप घर में एक बार कैलकुलेट करके देखो इस चीज को। अगर मैं दो चीजें लेके दिखाऊं आपको, मान लो मेटल, कोई भी मेटल और ऑक्सीजन को देखो तो मेटल ही भारी होगा। बेटा ऑब्वियसली मेटल भारी होगा, जब मेटल भारी होगा तो डेंसिटी तो ज्यादा होगी ना उसकी। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो यार, अगर M1 की, चलो दो चीजें निकालता हूँ, ये पार्ट वन है ये पार्ट टू है। अब इतना ज्यादा अगर नहीं समझ में आया तो फिर तो मैं क्या करूंगा सर? बेटा वेट करो प्लीज। मास वन की वैल्यू अगर पांच पांच के जी है, मास टू की वैल्यू कितनी है दस के जी है, वॉल्यूम वन है फाइव लीटर और वॉल्यूम टू भी है 5 लीटर, मतलब वॉल्यूम इसका सेम है और मास दूसरे वाले का ज्यादा है। अब अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू m1 / b1, तो 5 / 5 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा kg पर लीटर। दूसरे वाले में कैलकुलेट करोगे d2 इज इक्वल टू m2 / v2, तो m2 की वैल्यू बेटा 10 / 5 आएगी, 10 / 5, तो ये आ जाएगा आपका ऑब्वियसली 2 kg पर लीटर क्यूब। अब आप बताओ जिसमें मास ज्यादा हुआ, अगर वॉल्यूम दोनों का सेम रखा मैंने, जिसमें मास ज्यादा हुआ उसकी वैल्यू ज्यादा आई कि नहीं डेंसिटी के बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अभी भी कोई दिक्कत है क्या यार? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ हेलो। यस सर। तो नॉन मेटल हैविंग द लो डेंसिटी, ठीक है, इसमें एक बार मैं दिखा देता हूँ जो एक्सेप्शन है वो प्लीज आप लिख लिया करो, कि एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं आपसे, एक्सेप्शन लिख लो। आपको रीजन समझ में आया कि नहीं? रीजन समझ में आया लो डेंसिटी वाला? यस सर। यस सर। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर एटॉमिक नंबर कम होता सर, मास इज लेस, मास इज ऑलवेज लेस इंटरमॉलिक्यूलर। बेटा रीजन लिखो प्लीज, नहीं तो फिर आप एटॉमिक नंबर का रीजन बताओ। सर डेंसिटी इज डायरेक्टली, प्लीज 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 राइट द रीजन, प्लीज राइट द रीजन। आपने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के एक्सेप्शन में, बिकॉज़ बेटा उसमें थानी तो मैंने नहीं लिखवाया, बिकॉज़ जो भी होगा एक बार देख लूंगा मैं, बिकॉज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाई, इसीलिए मैंने सबको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से रिलेट किया कि आपको परेशानी ना हो। हर किसी में आप अगर एक दो चीजें जानते हो तो आप सबका बता दोगे रीजन। इंटर बिकॉज इंटर मॉलिकुलर स्पेस इज हाई, सो बिकॉज इंटर मॉलिकुलर स्पेस इज हाई सो मॉलिक्यूल्स a part in non-metals and mass, yeah, like no overall mass, overall mass will be, excuse me sir, yes sir, the density ka exception hai na बेटा? सर डेंसिटी का रीजन लिख रहे हैं ना? हाँ बेटा, कंपैरेटिवली मास एंड ओवरऑल मास विल बी कंपैरेटिवली लो, लो फॉर द सेम वॉल्यूम, okay, because intermolecular space is high, so particles or molecules are apart in the non-metals and overall mass will be comparatively low for the same volume. Okay, this is the reason. अगर आपको language समझ नहीं आ रही तो बताओ, मैं बता दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes sir, बता दीजिए। Wow, ठीक है, because intermolecular space is high, अगर उसका intermolecular space, बेटा please, why are you annotating like this यार? Sikhar Junior, who is doing this? सर किसी ने नाम चेंज करके शिखर जूनियर रख के एनोटेट कर रहा है। सर कट कैसे हो गया ये?
बेटा सबने लिख लिया था सर, नहीं सर मैंने नहीं लिखा सर, सर आप एनोटेट डिसेबल कर दीजिए सर, मैंने भी नहीं लिखा था, अभी तो डिसेबल कर दिया, लेकिन अभी जो लिख उठा है इसको क्या करेंगे, और बेटा पूरी जिंदगी करते रहोगे, मैं आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर क्लास में अभी से लेकर के पूरी जिंदगी भर यही करते रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई एक लड़का है सर जो पता नहीं कैसे क्लास में आ जाता है और सर कुछ भी करता रहता है सर, हमेशा आ जाता है, ठीक है, जो कर रहा है उसको बता देना बेटा कि वो पूरी जिंदगी यही करेगा, लिखो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो पहले लैंग्वेज, लिख लो समझाता हूँ बेटा, बिकॉज इंटर मॉलिकुलर स्पेस इज हाई, लैंग्वेज लिख लोगे ना बेटा बोलने बोलने पे, यस सर यस सर, बिकॉज इंटर मॉलिकुलर स्पेस इज हाई, बिकॉज इंटर मॉलिकुलर स्पेस इज हाई, सो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, Particles or molecules are a part in the non-metal. इसके बाद कोई क्लास तो नहीं बेटा? No sir है सर, बायो की है सर, बायो कितने में है, कितने में है सर, 6:30 लिखो लिखो जल्दी लिखो 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 so particles or molecules are a part in the non-metals. Particles or molecules are a part in the non-metals. A part in the non-metals. And overall mass will be. And overall mass will be. And overall mass will be. Comparatively low for the same volume, comparatively low for the same volume, comparatively low for the same volume. बेटा सबने लिख लिया? Yes sir. Okay. बेटा मैंने लिखाया हुआ है कि because intermolecular space is high. अगर उसके पास intermolecular space मतलब जो molecules हैं, उनका space बीच में high है, ज़्यादा है, तो particles क्या होंगे? दूर-दूर होंगे non-metal के. और ओवरऑल जो मास होगा, अगर उसी मास के वही चीज मैंने लिखा है जो इतनी देर से बता रहा था, मतलब इस क्लास के स्टार्ट से मैंने ये चीज बताई है और अभी वही चीज मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो मास होगा वो कंपैरेटिवली लो होगा, किससे, जो मेटल्स थे ना या जो दूसरे पार्टिकल्स होंगे उनसे लो होगा, ऐसे पार्टिकल से लो होगा जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, तो यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूल्स, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपार्ट होंगे, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल मास डिप कर जाएगा या कम हो जाएगा, और अगर सेम वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो क्या कोई दिक्कत है अभी? नो सर, नो सर, अच्छा ठीक है, फिर अभी आगे बढ़े, यस सर, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो सर, सर ओके बेटा ओके, एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख लो बेटा, एक्सेप्शन लिख लो, आयोडीन हैज हाई डेंसिटी, iodine has high density and also iron and also diamond has stop aapki screen stop agar aap kuch likh rahe hain, nahi main kuch likh nahi raha beta, abhi main isko hatata hu fir likhta hu, ek kuch nahi raha, yes sir boli, ha iodine has high density, kya likh lo, iodine and diamond has high density, आप उनको याद जरूर रखना बेटा, बेटा किसी ने ना बहुत गंदे तरीके से रोटेट कर दिया है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, हाँ बेटा उसमें कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इसके पास स्पेस बहुत ही कम होता है, कंडक्टर तो नहीं होता लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बेटा, यस सर, अच्छा ठीक है, डायमंड्स का और आयोडीन का लिख लिया बेटा, आगे बढ़े फिर, यस सर, यस सर, ओके, सो मैलेबिलिटी की बात करते हैं अभी, जल्दी लिखो तो मैं खत्म भी कर दूंगा आज यार, मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी, सो नॉन मेटल्स आर
बेटा आपको इतने अच्छे से मैंने मेटल बताया था, अगर आप मेटल को सही से पढ़ के आए हुए हैं ना तो नॉन मेटल में दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल, तो आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब डेंसिटी को मैंने वहां भी डिफाइन किया था, अच्छे से बताया था और शायद न्यूमेरिकल्स भी बताया था एक दो, उसके बाद भी बच्चों आ जाएगा नॉन मेटल सब लो मैल्युएबिलिटी क्या बेटा। हां वो तो ठीक है, नॉन मेटल्स में तो होती ही नहीं होगी। हाँ बेटा मेलेबिलिटी नहीं होती है, कम होती है जब ऑलरेडी ये खिंचा हुआ है ऑलरेडी इसके। मान लो किसी गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के तो ऑलरेडी, मान लो फ्लोरीन क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर ये पीटे हुए हैं, पर बाहर भाग रहे हैं इसके मॉलिक्यूल, दौड़ रहे हैं इधर उधर, पर गैसियस फॉर्मेट में है तो उनको कैसे आप पीटोगे बेटा, तो उसमें तो हो ही नहीं सकता बेटा, मेलेबिलिटी का तो चांस बहुत ही कम होता है, सीट्स कैसे बन सकती है उसके अंदर। चलो कोई सॉफ्ट है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, कार्बन भी है तो कार्बन की सीट नहीं बन सकती, आप अगर तोड़ोगे तो टूट जाएगा वो, सीट बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कार्बन का कोई टुकड़ा ले लो और उसको आप पीटो ऊपर से, तो चलो गैस की तो बात छोड़ दो, बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप उसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा बेटा, तो सीट फॉर्मेट में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो। तो यहाँ पर लिख लो नॉट मेलेबिलिटी के अंदर लिखे बेटा नॉन मेटल्स आर not malleable in nature, non metals are not sir. Yes beta sir jo gold hota hai wo sabse best malleable content hota hai, lekin sir jo pure gold hota hai wo bhi to sir soft hota hai, so sir wo kaise acche se malleable ho jata hai sheet mein convert kya beta beta malleability to beta soft hone ka matlab ye nahi hua ki usko malleability hi nahi aayi bilkul, वो एक मेटलिक फॉर्मेट है, उसमें उसमें कैपेबिलिटीज होती है, उसकी डेंसिटी भी अच्छी होती है बेटा, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी भी एक प्रॉब्लम होती है जो मेलेबल नहीं बनाती इसको। अगर तोड़ते हैं तो, अगर मान लो इसको पीटने की कोशिश भी करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं नॉन मेटल्स, अगर ज्यादातर नॉन मेटल्स में तो गैस बहुत सारी तो गैस ही हो जाती है, तो गैस को तो वैसे भी पीटने की बात ही नहीं करते। जो बचते हैं मान लो जो सॉफ्ट वाले होते हैं या फिर जो नॉर्मल मेटल्स है वो टूट जाते हैं पीटने पर, तो उनमें सीड्स तो बनी नहीं सकती है, लेकिन मेटल्स होते हैं मान लो जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के पास अच्छी खासी मेलेबिलिटी होती है। अब अगर उसके पास मान लो प्योर गोल्ड भी हुआ तो प्योर गोल्ड के पास भी मेटलिक फॉर्मेट अच्छा होता है और मेटल कंटेंट होता है, उसमें डेंसिटी तो उतनी ही रहती है लगभग। इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है कि थोड़ा मतलब जैसे आप एक स्टार्ट में बताया था आपको डक्टिलिटी वगैरह बताया था ना बेटा, यस सर, वायर में कन्वर्ट करना। हाँ तो वायर इन ऑल में जैसे मान लो इम्प्योर होता है या फिर उसमें कुछ मिला के करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब उसमें हम कुछ मिलाते नहीं है या फिर वो प्योर होता है तो बीच बीच में टूट जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एकदम प्योर रहता है। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर मान लो गोल्ड जो है वो प्योर है भी है तो उसको आप पीट करके सीच में कन्वर्ट करके उसको सुखा सकते हो, वो बन जाएगा वैसा, लेकिन कार्बन में वो क्वालिटी नहीं हो सकती है। मान लो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी में आएगा जो भी आपके पास गोल्ड होगा वो थोड़ा बहुत मान लो बहुत हल्का ही होगा या बहुत सॉफ्ट ही आएगा, लेकिन आप उसको पीटोगे तो पीट जाएगा, वो टूटेगा नहीं, ऐसे ब्रेक नहीं होता इतनी जल्दी वो, लेकिन कार्बन ब्रेक हो जाता है बेटा, या तो होता ही नहीं है, जैसे अगर गैस होती है उसको आप पीट ही नहीं सकते हो, या तो जो होता है वो ज्यादातर ब्रेक हो जाता है, बात समझ रहे हो। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ही मेलेबल नहीं होते बेटा, तो वो तो एक्सेप्शन में ऑलरेडी बताया ही हुआ है, एक्सेप्शन में तो लिखाया होगा ना मैंने, वो तो मेटल्स है ना। हाँ तो बेटा एक्सेप्शन भी तो होते हैं हर जगह, आई हैव नॉट गिवन गारंटी, मैंने तो कार्बोनेट तक में आपको गारंटी नहीं दी कि कार्बोनेट में दो चार्ज हमेशा सेम होंगे, मान लो एक्सेप्शन आया तो क्या करोगे आप। आपको मैं जनरली पढ़ाता हूँ तो ये चीज ये है कि ज्यादातर चीजें सही है, पूरी चीजें सही होती है, लेकिन मान लो कहीं एक्सेप्शन आ गया, मान लो कोई चार्ज आ गया, मान लो सीएल का चार्ज बताया -1, अब CLO2 बन गया फिर क्या करोगे, तो प्लस चार्ज हो गया उसके ऊपर चार्ज, क्योंकि CLO2 मॉलिक्यूल होता है एग्जिस्ट, अब CLO2 बनता तो क्या करते हैं, CLO बन जाता तो क्या करते हैं, बोलते CL के ऊपर +1 चार्ज कहाँ से आया या +2 चार्ज कहाँ से आता, फिर तो वो दिक्कत होती ना, तो फिर तो वो ऑक्सीडेशन एंड ऑल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन मान लो कहीं पे मिल जाता है ऐसा कंपाउंड जहां पे वो सही नहीं है तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। यस सर, यस सर, यस सर, आपको मैंने बताया HCl के अंदर चार्ज Cl के पास -1 होता है, Cl के पास -1 होता है और H के पास +1 होता है, लेकिन ये चीज कंफर्म तो है कि Cl के पास -1 चार्ज होता है, लेकिन अगर आप अभी यही कंपाउंड बनता CLO2, अब CLO2 एक कंपाउंड होता ही है तो फिर क्या करोगे, फिर Cl के ऊपर तो दिक्कत हो जाएगी ना इसके पास, फिर यहाँ पर तो प्लस चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव तो दो चार्ज है, दो से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो डिफरेंशिएट कर जाएगा, तो फिर यहाँ पर तो चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर वो तो होता ही है कंपाउंड्स में, तो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन बेटा चलना पड़ेगा, और वो इस चीज आप याद करके भी रखो,
इसीलिए लिखा रहा हूँ एक एक चीज में। तो नोट्स आप बना रहे हो ना सभी? यस सर। यस सर बना रहे हैं। तो कोई मुझे एक बार नोट्स भेज देना अपने। ओके सर। ठीक है। चलो तो हो गया बेटा मेलिएबिलिटी का, लिख लिया सबने? यस सर। ऑलरेडी साइंड आउट कहां से हो गया यार। चलो ठीक है, मेलिएबिलिटी की बात करते हैं। मेलिएबिलिटी हो गई बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। बेटा समझ में आया ना आपको? मेटल नॉन मेटल कोई दिक्कत तो नहीं रही किसी को? एक भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही इसमें? सर एलोट्रॉपिक्स जो क्वेश्चंस है, एलोट्रॉप वगैरह ये सब अपन डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, एक क्लास रख लेंगे उसमें जो क्वेश्चंस डाउट किए हैं वो कर लेंगे। लेकिन बाकी ओवरऑल मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया बेटा, तो आप प्लीज अगर कोई रीजन पूछे किसी पार्टिकुलर चीज का तो आपको रीजन तक ही पता होना चाहिए। मान लो कहीं पेपर आ जाए, पेपर में आ जाए तो बेटा केवल यही नहीं कि नॉन मेटल जो होते हैं मेलेबल नहीं होते हैं या उसके कुछ भी पार्ट होते हैं वो चीज बताओ, उसके साथ साथ आपको रीजन भी पता होना चाहिए बेटा उसका। पता रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? नो सर पता रहेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है सर? मजबूती। क्या होता है? ना वो खींच सकता है, मतलब जितने एक्सटेंट तक वो जा सकता है। जब कोई चीज आप खींच करके उसको आप वायर में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर आप उसको खींच रहे हो, तान रहे हो, ऐसी कंडीशन में जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो जिस हद तक वो रुक सकता है, उसको ही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। डक्टिलिटी? नहीं, डक्टिलिटी इज अ नेचर ऑफ मेटल्स दैट इज फॉर्मिंग द वायर। आप यहाँ वायर अकेले नहीं बना रहे हो, बहुत चीजें बन सकती है। स्ट्रेंथ का मतलब आप अगर कोई लोहा ही है यहाँ पर, कोई चद्दर ही रखी हुई है, तो चद्दर को आप खींचने लग गए तो ये भी एक तरीके का अगर खिंच जा रहा है कहीं से, तो इसमें एक तरीके का टेंसाइल प्रॉपर्टी आ चुकी है। टेंसाइल प्रॉपर्टी मतलब इसका टेंसाइल मतलब तान देना। सर मैक्स खिंच गया सर, एक जगह जाकर फट जाएगा। हाँ, तो जितना मैक्सिमम खींच सकता है ना, वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अगर आपकी बॉडी है, बॉडी तो मान लो मेटल नॉन मेटल की बात नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल जैसे मान लो अगर आपकी बॉडी एक नॉन मेटल है, तो अगर आप बॉडी को खींच ले रहे हो, खींच ले रहे हो जहां मान लो अपने हाथ को खींच रहे हो, अपने आप को कहीं फंसा के और कोई आपका हाथ खींच रहा है, लगातार खींचे जा रहा है, तो एक ऐसी पॉइंट आएगा जहां पर आपका हाथ का जो अपोजिट टाइप का डायरेक्शन का फोर्स है वो कम हो जाएगा। मतलब कि होता क्या है आपको बता दूं, लगता है अगर फिजिक्स थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है तो होता क्या है, मान लो कोई चीज आप ऐसे खींचते हो, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, जो भी है, न्यूटन्स लॉ का थर्ड लॉ कहता है बेटा, अगर आप किसी चीज को अपनी तरफ किसी फोर्स से खींचोगे तो वो चीज भी आपको अपनी फोर्स, अपने उसी सेम फोर्स से पीछे डायरेक्शन में खींचेगी। ये हमेशा सत्य होता है। अगर आपके सामने रखा हुआ लैपटॉप अगर आपने अपने तरफ खींचो तो वो बहुत धीरे धीरे आपके पास पहुंचता है। ये क्यों? क्योंकि लैपटॉप भी चाहता है कि हम, वो भी हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मेरा लगाया गया फोर्स लैपटॉप के लगाए गए फोर्स से ज्यादा हो जाता है, तो लैपटॉप खींचता चला मेरे तरफ आता है। या आपके समय आपके सामने कोई भी ड्रॉअर रखा हुआ है, ड्रॉअर है मान लो, ड्रॉअर को आप खींचते हो, तो ड्रॉअर में जैसे ही आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने के बाद आप देखते हो थोड़ी देर तक रुकता है, एक सेकंड, दो सेकंड, चार सेकंड, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। या फिर आपके सामने कोई बेड है, तो बेड को आप अगर घसीट के कहीं ले जा रहे हो, तो जैसे आप बेड को घसीटने की कोशिश करते हो, आप देखोगे कि बेड भी आपको अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा नहीं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता खींचेगा, लेकिन वो फोर्स लगाता है, इसी वजह से वो आपकी तरफ खींचता इजिली नहीं आता। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है आप पूरी दम लगा देते हो जब वो अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। क्या आपको पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मासेस के बीच में लगता है। बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहा, क्यों उल्टी सीधी बात करते हो? मैं केवल नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा। आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो भी अपनी 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 तरफ आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा।
मेरे को बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको। अगर मान लो कोई कोई चीज है, आपके कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, अगर आप इसको अपनी तरफ खींचोगे तो ये क्या करेगी, अपनी तरफ भी आपको खींचेगी। अब खींचेगी, मान लो मेटल होता, मान लो ये आयरन सीट होती, तो आयरन सीट क्या करती, आपको अपनी तरफ खींचती। आयरन सीट मान लो लेते, अगर आप इसको अपनी तरफ खींचते तो आयरन सीट भी खींचती। आप इसको खींचते जाते मान लो थोड़ी देर तक खींच भी जाती, एक समय ऐसा आता कि खींचना बंद हो जाती, तो ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। आयरन वगैरह की भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो बहुत जल्दी ये टूटते नहीं है, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होंगे जैसे रबर होती है। रबर अगर आप अपनी तरफ खींचो, रबर को अगर किसी मान लो किसी स्टिक में बांधो और अपनी तरफ रबर को खींचना स्टार्ट कर दो, तो रबर क्या करती है, धीरे धीरे खींचती चली जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब रबर खींच के टूट जाती है। भैया एक समय ऐसा आता है जब रबर खींचना बंद हो जाती है और टूट जाती है, और जब टूट जाती है वही जो टूटने वाला जो पॉइंट है ना, वही उसका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। बेटा कोई रबर को आप खींच रहे हो तो अपनी तरफ पहले तो फोर्स लगाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे खींचती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरी पूरी खींच जाती है और उसके बाद वो रबर ब्रेक कर जाती है। जब रबर ब्रेक करती है जहां पर, वही उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और उस रबर में जो खींचने का पीछे गुण है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के रीजन की वजह से ही होता है बेटा। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी खींचे खिंचाए होते हैं ज्यादातर, तो इतने गैसेस पार्टिकल है उसमें क्या खींचोगे आप, वो खुद ही भागता रहता है, उसमें क्या खींचोगे, पार्टिकल इतने दूर दूर है कि ऑलरेडी वो मूवमेंट करते रहते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है। क्या बेटा किसी को दिक्कत रही इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम रही इस पार्ट में? हाँ बेटा, नॉन मेटल के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पार्टेड रहते हैं, इसी वजह से उनको आपको खींचने की क्या जरूरत है, और वो इतनी स्ट्रेंथ कहां से आएगी उनके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो खींचे खिंचाए हैं, तो आप कहां से खींचोगे, उनमें कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, आप पे फोर्स ही नहीं लगाएंगे। हाँ कुछ पार्टिकल है जो लगाएंगे, जैसे मान लो कोई सॉलिड पार्टिकल है जैसे कार्बन वगैरह, लेकिन वो भी एक वक्त ऐसा आता है जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और खींचोगे तो वो टूट जाएगा, होता है कि नहीं बेटा? यस सर। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? टाइम कैसे कर सकते हैं क्या बेटा? क्या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, समझ लो, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा टेंसाइल से, आपको याद दिला देना, मैं स्टार्ट करूंगा यहीं से, ठीक है सर? आप इसको टेस्ट में कैसे पूछेंगे? टेस्ट में बेटा ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते, बस ऐसे बन सकते हैं लाइक कि कार्बन, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कि आयरन है, आयरन को खींचना स्टार्ट किया और कार्बन को खींचना स्टार्ट किया, तो कौन पहले टूट जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो कार्बन टूट सकता है, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इसलिए मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चन, कुछ सारे दे दूंगा, ठीक है? आपको अगर मैं आज पढ़ाया हुआ तो मैंने कुछ सारे क्वेश्चन आप दे दे रहे, 5-7 क्वेश्चन शाम को भी भेज दूंगा आपको, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दो पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, वो 5 मिनट लगेंगे उसको बताने में, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? तो प्लीज एक बार रिकॉल करके आना। Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्लास में? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, बेटा, bye. Bye, sir. Thank you, sir. Welcome, बेटा, bye. सर रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दीजिएगा। आपने पढ़ाई थी सर, तो उसमें मेटल ज्यादा जल्दी खींचेगा या फिर नॉन मेटल? इसमें कौन सी पढ़ाई थी बेटा? सर टेंशन स्ट्रेस। टेंसाइलेशन। बेटा मेटल कैसे खींचेगा? मेटल कैसे खींचेगा? टेंसाइलेशन का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ आ रही है, मेटल कैसे खींच जाएगा? मेटल के पास तो ऑलरेडी इतनी सारी स्ट्रेंथ होती है, वो ऑलरेडी इसके पार्टिकल बहुत कमजोर, बहुत ज्यादा एक दूसरे में बॉन्डेड रहते हैं, और नॉन मेटल के पार्टिकल भागते रहते हैं। नॉन मेटल मतलब जब भी नॉन मेटल की बात करें, आप एक बार सोचो कि एक बार कार्बन को सोच लिया करो और एक बार गैसियस को सोच लिया करो, भैया गैसियस पार्टिकल तो ऑलरेडी भाग रहे हैं, उनको खींचने की जरूरत नहीं, उसमें कहां से टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी? अब खुद समझो। ठीक है बेटा, ओके, बेटा मैं फर्स्ट श्रीवास्तव या मोमी पहुंचा किसी को बना दे रहा हूं मैं, और मैं लीव कर रहा हूं, अभी क्लास है ना इसी लिंक पे। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so, मैं पाउजा को बना दे रहा हूँ और होस्ट और मैं लीव